ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए क्या करें? कर्ज से मुक्त होने के लिए क्या करें? आज सारी दुनिया कर्जे में है, कर्जा इतना ले रखा है, अब उस कर्जे से मुक्त कैसे हों? कर्जे से मुक्त कैसे हों? सबसे पहली बात, अपने आप से पूछो, कर्जा लिया किसने? कर्जा लिया किसने? शरीर ने या आत्मा ने? किसने कर्जा लिया? शरीर ने लिया या आत्मा ने कर्जा लिया? क्या लगता है, किसने कर्जा लिया? क्योंकि पहले हमको समझना होगा कि लेती कौन है कर्ज, इन आंखों से देखती कौन है, इस मुख से बोलती कौन है जो कार्य करती है? कर्जा लेने कौन जाता है, शरीर लेने जाता है या आत्मा? इस शरीर के द्वारा कर्जा लेने का काम आत्मा करती है, कर्जा आत्मा लेती है, शरीर नहीं लेता। शरीर तो मात्र एक ड्रेस है। आप आत्मा ने कर्जा लिया और आप आत्मा को ही वो कर्जा वापस देना है। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है हम देना चाहते हैं, मुक्ति का इलाज बताओ। एक फार्मूला याद रखना है, कर्मों की गति का बहुत जो इसमें अप्लाई होता है, कि आत्मा परम धाम से आने के बाद सुख या दुख जो भी वो किसी आत्मा को देती है या किसी से लेती है, घर जाने से पहले उसे बराबर करके जाना। मुक्ति ही तब मिलेगी जब अकाउंट बराबर होगा, चाहे वो राजी खुशी हिसाब बराबर करे, चाहे रोक करके करे, हिसाब तो बराबर करना ही करना पड़ेगा। और आप आत्मा हो यह आपको समझ लेना है, नहीं समझ में आया है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी में जा करके आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आप इस शरीर नहीं हो, आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आपने जिससे कर्जा लिया है वो कर्जा आपको देना ही देना है, और परम धाम अपने घर जाने से पहले देना है। बाकी आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती है और दूसरे शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। मैं ये कर्मों की गति एक जगह समझा रहा था, उस कंपनी का जो मालिक है
उसने मुझे अपने कैबिन में लास्ट में बुलाया, कहा आपने मेरी बहुत समस्याएं हल कर दी, अब मैं खूब कर्जा ले लूं और एंजॉय करूं, और जाने से पहले मैंने देना है तो मेरे पास आएगा भी जरूर। आएगा भी जरूर, तभी तो मैं दूंगा, और जाने से पहले मैंने देना है, जाने से पहले देना है। भगवान भी उसे रोक नहीं सकता। आपने तो मेरी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। आप उधार लो, एंजॉय करो, फिर उधार दे देना, देने के लिए भी आएगा, अब भी एंजॉय तब भी एंजॉय। पॉजिटिव सोच, एक तरफी थी। मैंने किसी से कर्ज लिया और समय पर मैंने उसको नहीं दिया, और वो आत्मा दुखी हुई, वो आत्मा दुखी हुई, तो जब वो मेरे से कर्जा लेगी तो मैं भी दुखी। तो मैंने दुख दिया है, वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। सारा खेल सुख और दुख का है। सुख सोने की बेड़ी है, दुख लोहे की बेड़ी है। सुख दिया है तो सुख भी लेना पड़ेगा, और दुख दिया है तो दुख भी लेना पड़ेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, कटेगी तब जब हिसाब बराबर होगा। आप घर तभी जा सकेंगे जब आपका हिसाब बराबर होगा। ये बात बुद्धि में आ जाए कि जिसको मैंने दिया है, जिससे मैंने लिया है, हिसाब बराबर करके ही घर जाना है। बिना हिसाब बराबर किए घर नहीं जा सकते, कर्ज से मुक्त हो नहीं सकते, और कर्ज से मुक्त संसार की हर आत्मा को होना है। बस इतनी सी बात याद रखें, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मत दो दुख, ये एक बात अपने अंदर लेकर आए कि दुख नहीं देना। दुख नहीं देना है। कर्ज तो उतर जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि दूसरी आत्मा को दुख ना। और दूसरा क्या ध्यान रखो, आपको दुख नहीं हो। यदि आपको भी दुख हुआ तो आप भी उसे दुख देंगे। ना दुख लेना है ना दुख देना है, ये दो बातों पर अटेंशन देना है। कर्जे से आप मुक्त हो जाए। परंतु एक भी संकल्प ऐसा ना चले जिसमें
जो आप दुखी हो रहे हो या जिस आत्मा से आपने लिया है वो दुखी। वो अपना कर्जा तो लेगी, फालतू भी नहीं लेगी, काम भी नहीं लेगी, आपको देना भी पड़ेगा। आप काम भी नहीं देंगे, फालतू भी नहीं देंगे, क्षमा नहीं मिलेगी। बाकी इसके लिए कोई स्वमान को रटना, किसी मंत्र को रटना, इसकी जरूरत नहीं। ये समझने की जरूरत है, अपने आप को मन मना भव करने की जरूरत है। मुझे मेहनत करके सत्य मार्ग पर चल के धन कमाने की जरूरत है। कब उतरेगा इसकी चिंता मत करो, समय से पहले नहीं उतरेगा, समय पर ही उतरेगा। ड्रामा इतना एक्यूरेट है जिसमें जरा भी गलती नहीं हो सकती। आपने देना है, आप वो देंगे। किसी और ने आकर देना है तो वो आकर के देगा। बहुत अच्छी तरह से ड्रामा की एक्यूरेसी को बुद्धि में रखकर अचल अडोल रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है, ढीठ नहीं बनना, लिए जाओ कर्जा नहीं, श्रीमत के ऊपर चलना है, श्रीमत को नहीं छोड़ना है। और श्रीमत है ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख। मंत्र जपने से या स्वमान को रटने से या स्वमान में रहने से ये कर्जा उतरने वाला नहीं है। कर्जा उतरेगा कर्जा देने से ही। बिना दिए कर्जा नहीं उतरेगा। और कर्जा नहीं देना है आपको तो नहीं देंगे। उसने आपसे लिया था कर्जा, उसने आपको वापस नहीं किया था, आप भी उसे वापस नहीं करेंगे। आपका शरीर छूट गया, कौन वापस करेगा? टेंशन नहीं। जब तक शरीर में है देने की इच्छा से इनकारी भी नहीं, सच्चे दिल से देने की इच्छा रखनी है, पुरुषार्थ करना है। कर्जा तो अपने आप उतरना है, डोंट वरी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।